नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों ये जो आप पेपर देख रहे हैं यहाँ पे, अभी हमारा काम ख़त्म हुआ है। यहाँ पे हम लोग BC का लेइंग कर रहे थे और ये यहाँ पे हमारा BC का लेइंग हुआ है कंप्लीट। अभी हम इसका जॉइंट वॉइंट मिला रहे हैं यहाँ पे, तो पेपर का काम यहाँ पे दोस्तों ख़त्म हो गया। तो आज मैं बताता हूँ आपको, जब भी आप पेपर का काम ख़त्म हो जाने के बाद फिर पेपर में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं। इसकी क्लीनिंग करनी पड़ती है, पूरी मशीन की एक बार अच्छे से क्लीनिंग करनी पड़ती है। नहीं तो ये जो डामर है वो अभी गर्म है तो कोई दिक्कत नहीं, जब ये गर्म होने के बाद जब ये ठंडा हो जाएगा तो पूरा चिपक जाता है। तो फिर ऑगर वॉगर जो इसकी बेरिंग रहती हैं, ऑपर रहते हैं, तो बाद में प्रॉब्लम होती है। तो आज की वीडियो में यही बताएंगे कैसे इनको साफ़ करते हैं, कैसे इसका रख रखाव करते हैं जब भी आपका DBM या BC ख़त्म होने के बाद। तो ये जो पेपर है ये आपको दिखा देता हूँ मैं नज़दीक से, ये वोगले का है और सुपर 1800-3 पेपर है ये। दोस्तों ये जो आप येलो कलर का ये स्प्रेयर देख रहे हैं, इसके अंदर डीजल है, इसमें 10 लीटर के आसपास डीजल होगा और 10 लीटर डीजल से हम इसको पूरा क्लीन करेंगे। ये जो ऑपरेटर हैं बटन, इसके हाथ में ग्रीस गन है और ये हमारा असिस्टेंट ऑपरेटर राजा। दोस्तों पूरी मशीन में एक स्प्रेयर के थ्रू आप है ना अच्छे से ग्रीस ये डीजल लगा दीजिए जहाँ जहाँ डामर इस पर टच होता है, और इसके ऑगर वगैरह आप ऑन कर दीजिए। इससे क्या होगा दोस्तों, स्प्रेयर से आप जब भी मारेंगे इसके ऊपर डीजल, तो ये जो गरम गरम डीजल अगर गरम पे ही मार देंगे तो ये पूरा गिर जाएगा, सुबह तक पूरा गिर जाएगा ये। तो आपका पेपर और इसकी हॉपर ऑगर वगैरह जो प्लेट हुई, इसकी स्पीड हुई, सारे पे डीजल वगैरह अच्छे से मार देंगे तो ये अच्छे से क्लीन हो जाती है, इसमें आपका डामर बिल्कुल चिपकेगा नहीं। अभी हम लोग सबसे पहले इसकी प्लेट है, प्लेटों पे डीजल मार दिया और इसके जो ऑगर हैं ऑगर को अच्छे तरह से डीजल मार देंगे, क्योंकि अगर इसमें अच्छे से डीजल नहीं मारेंगे इसकी बेरिंग जो रहती हैं वो जाम हो जाती हैं। और अभी हम इसका जो हॉपर है हॉपर में डीजल मारेंगे। इसकी हॉपर और इसकी जो चेन है उसमें भी अच्छे से डीजल लगा देंगे। और ये जो आप इसके रोलर देख रहे हैं, रोलर में भी अच्छे से डीजल लगाना पड़ेगा। जब भी आप डीजल, ये जो इसके ऑगर हैं ये जो रोलरों में भी अच्छे से डीजल लगा के दोनों तरफ छोड़ दीजिए, फिर ये शाम टपक जाता है। जब भी आप डीजल मारते हो तो इसका ऑगर और इसकी चेन आप ऑन कर दीजिए, जैसे पूरी चेन पे एक जैसा डीजल लग जाता है। ये अभी आप देख रहे हैं पूरा झड़ जाएगा ये। अभी हम इसकी दूसरी साइड है इसमें भी तेल मार देते हैं अच्छे से। जब भी दोस्तों काम ख़त्म होता है तब आप इसमें एक बार अच्छे से तेल मार दीजिए, क्योंकि प्रॉब्लम हो जाती है। और जब भी एक चीज़ और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को, कि जब भी आपको मशीन खोलनी है या शिफ्ट करनी है तब आप डीजल बेशक मत मारिए, क्योंकि अगर उस टाइम पर आप अगर डीजल मारेंगे इस पर तो फिर जब आप खोलने जाओगे तो आपके हाथ पांव काले होंगे, इसमें आपका ही नुकसान और किसी का नहीं है। इसमें 10 लीटर डीजल हम लोग डेली केवल इसको साफ़ करने के लिए फूंक देते हैं। और एक और चीज़ बताता हूँ, जब भी आप दोस्तों डीजल अगर आप इसमें मारते हैं तो कभी भी हम मशीन की जैसे स्क्रीन पर आप डीजल मार रहे हैं तो इसको जो DBM सरफेस के ऊपर बिल्कुल ना खड़ा करें आप, है ना इस टाइप से जैसे हमने शोल्डर पर लेके इस पर डीजल मार रहे हैं उसी हिसाब से इसको खड़ा करें। नहीं तो आप DBM की सरफेस पर अगर डीजल मारते हैं तो DBM उखड़ जाता है, डीजल इजीली DBM को ख़राब कर देता है। तो आप इस टाइप से जैसे हमने साइड में इसके शोल्डर पे लगा के इसको कर रहे थे हम इसकी क्लीन, उसी हिसाब से करिए वो ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ, जैसे हमने डीजल मार के इसको छोड़ दिया था अभी दिखाता हूँ मैं आपको पास से। ये देखो एकदम साफ हो गए, ये डीजल मारने से सारा इसका जो बिटमिन टक है एकदम अपने आप क्लीन हो जाते हैं। इसके ऑगर देखिए अब तो एकदम साफ हो गए हैं इसके ऑगर। और इसी हिसाब से अब मैं थोड़ी देर बाद इसका रिजल्ट मिलता है डीजल का। अब ये देखिए जो डीजल मारा हुआ था ये हो गया एकदम क्लीन,
अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसका हॉपर भी हो गया, इसकी चेन भी हम देख लो बिल्कुल क्लीन हो गई। जितना भी है धीरे 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 सारा ये डीजल नीचे झड़ जाएगा। और इसका जो ओवर है, ये ओवर अभी तो टाइट है, इस टाइप से एकदम फ्री हो जाएगा। ये वाला भी दूसरी साइड का भी दिखाता हूँ। ये भी देखो ओवर इसके एकदम हुआ है क्लीन, धुआं निकल रहा है अभी तो डीजल खा चल रहा है क्योंकि मशीन पूरी गर्म है अभी। और डीजल भी आप लोग काम होने के बाद तुरंत मार दीजिए, गर्म में ही, गर्म में मारने का ही फ़ायदा है, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं इसका। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, यही आपको बताना था कि जब भी आपका डीबीएम वीबीएम का काम ख़त्म होता है, डीबीएम वीबीएम का, तो आप पेवर का भी कुछ ख्याल रखना पड़ता है, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं वही मैं आपको बता रहा था। अगर आपका ज़्यादा माल जमा हो तो इसके एक रोड आती है पेवर के साथ, एक उस रोड से भी आप निकाल सकते हो, टॉबल रोड बोलते हैं उसको। और अगर नॉर्मल है, क्योंकि हम लोग डेली साफ़ करते हैं तो वैसे ही साफ़ है वो, हल्का सा डीजल माल के छोड़ देते हैं तो वैसे ही क्लीन हो गई है। अभी दोस्तों हमारा काम हो गया यहाँ कंप्लीट, अभी इसको शिफ्ट करेंगे तो फुल विड्थ में ही शिफ्ट करते हैं, यहाँ से 10 किलोमीटर आगे जानी है, पर पूरा रोड फोर लेन हो गया तो एक साइड का ट्रैफिक बंद करके हम लोग शिफ्ट भी कर देंगे। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।